नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। झीरम घाटी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी झीरम घाटी हत्याकांड की फिर से जांच कर सकती है। उधर बीजेपी ने कहा है कि वो भी चाहती है कि सच्चाई सामने आए। साथ ही बीजेपी ने हमेशा सबूतों की बात पास होने की बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। उधर हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की बात कर दी है और कहा है कि एनआईए अगर जांच को प्रभावित या रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष सुने, इसकी तसल्ली के लिए हम ये कैविएट दायर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में झीरम कांड एक बार फिर से बहुत तेजी से गर्मा रहा है और अब इसकी सच्चाई लोगों के सामने क्या आएगी, इसे लेकर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एनआईए ने जांच अपनी कर ली थी और क्लोजर रिपोर्ट भी सौंप दी थी, जिसके बाद भूपेश बघेल जब सरकार में आए तो एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की गई। जितेंद्र मुदलियार ने एफआईआर दर्ज कराई थी और कहा था कि इस पूरी जांच में किसी साजिश की आशंका के मामले को बिंदु में रखते हुए, केंद्र बिंदु में रखते हुए जांच नहीं की गई है, इसलिए हम दोबारा जांच चाहते हैं और इसके लिए एसआईटी की का गठन राज्य सरकार ने किया था। लेकिन होता यह है कि एनआईए इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट चली जाती है और कहती है कि जब राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी तो अब राज्य सरकार ये जांच नहीं करा सकती। इसे लेकर के कोर्ट में तमाम जिरह के बाद फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया है। क्या कहना है जितेंद्र मुदलियार के वकील का, सुनिए। उच्च न्यायालय ने शुरुआती दिनों में इस पर एफआईआर पर स्टे लगा दिया था जांच पर, तो उससे राज्य सरकार इस पर जांच नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसको अंतिम सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच जस्टिस सामंत एंड जस्टिस अरविंद चंदेल के डिवीजन बेंच ने उसको सुनवाई करते हुए पिछले दिनों इसको अंतिम आदेश के लिए रखा था। आज उस आदेश पर आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला न्यायालय एनआईए कोर्ट ने जो जगदलपुर ने आदेश किया वह सही है और एनआईए का अपील को खारिज कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कैविट दाखिल करने की बात कही है, सुनिए सीएम भूपेश बघेल का बयान। हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम लोग चाहते थे कि यदि एनआईए ने जांच समाप्त कर ली है तो फिर वो हमको राज्य सरकार को दे, और इसलिए हमने पत्राचार भी किया था और एनआईए से बार बार और होम मिनिस्ट्री से बार बार हमने अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कैविट लगाने के बाद और आपको अब सुनाते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो जिनकी मौत हुई थी, दिवंगत उदय मुदलियार उनके बेटे जितेंद्र मुदलियार, जिनकी एफआईआर पर ये पूरा मामला इतना लंबा खिंचा है और अब राज्य सरकार को राहत मिली है इस पर, वो क्या कहते हैं, सुनते हैं जितेंद्र मुदलियार का ये बयान। हम लोगों ने जो मांग रखी है, हमारे तरफ से जो तथ्य दिए गए हैं उस पर जाँच होगी, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। और इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, हम लोग बार बार इस चीज़ को पीड़ित परिवार के लोग कह रहे थे के षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए, जिन लोगों के कारण षड्यंत्र हुआ है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है जिसके कारण ये घटना हुई है। झीरम की घटना एक सुपारी किलिंग की घटना है, इसके पीछे जो लोग शामिल हैं उनका चेहरा अब सामने आएगा। और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। बीजेपी कह रही है कि हम भी चाहते हैं सच्चाई सामने आए, सुनिए। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी इस बात को कहते थे कि झीरम का सबूत मेरे जेब पर है, लेकिन 3 साल से वो सबूत बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र दूसरा है, जहाँ फायदा होता है वो विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ उनके खिलाफ में कोई आदेश आता है तो उस पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को अपने चरित्र को बदलना होगा। और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्या हैं आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, अब एसआईटी करेगी झीरम मामले की जांच, क्या एनआईए की रिपोर्ट पर आएगी आंच, खूनी साजिश से पर्दा हटेगा, क्या पीड़ितों को अब न्याय मिलेगा, जेब से सबूत लाएंगे जनता के सामने या फिर बनाएंगे सियासी बहाने, ये कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौती है। झीरम कांड की फाइल फिर खुली, 9 साल बाद क्या सुलझ पाएगी गुत्थी, 9 साल से इंतजार हो रहा है न्याय का। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं 3 खास मेहमानों का। हमारे साथ
जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ संजय चड्डा जी एडवोकेट जो वरिष्ठ कानूनविद हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली से, वो भी जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आता हूं। नितिन जी कैसे देखते हैं इस राहत को आप, और क्या आपको लगता है कि अब जांच पूरी हो पाएगी और सच्चाई सामने आएगी? नितिन जी देखिए, आज न्यायालय के इस फैसले से ये साबित हुआ कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम माननीय न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। 25 मई 2013 को दरभा के जीरम में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, शुरू से ही कांग्रेस ने ये कहा था कि इस हत्याकांड के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि देखिए आप, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जो कि परिवर्तन यात्रा पे निकले थे, 200 लोगों का काफिला था, ना तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी की गई थी, ना रोड ओपनिंग पार्टी रखी गई थी, ऐसा पूरा प्रतीति होता है उस घटना के बाद कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र था। और जिस प्रकार हमारे नेताओं को चुन चुन कर नाम ले लेकर गाड़ियों से निकाल कर मारा गया, ये एक इस और पूरा इशारा करता है कि इसमें कोई बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र इसमें हुआ है। उसी दिन से हमने इसकी मांग की थी। मुझे याद है 2013 में डॉक्टर रमन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीबीआई जांच की भी घोषणा की थी, पर वो नहीं की। ये जांच जो है ये षड्यंत्र और हत्या के बिंदु से, एनआईए ने इस षड्यंत्र और हत्या के बिंदुओं को देखी आप बिल्कुल ही अलग रखकर जांच की। राज्य में कुशासन के बाद सुशासन कायम हुआ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लोगों को एक आस जगी। कांग्रेस ने कहा था कि हम इनके कातिलों को छोड़ेंगे नहीं और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। निश्चित तौर पर हमने एसआईटी का गठन किया, राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन करने के बाद लगातार पत्राचार हमने एनआईए से किया कि आपने जो जांच की है, आपने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, उस जांच रिपोर्ट की कॉपी दीजिए। अंत तक उन्होंने कॉपी नहीं दी। पीड़ित परिवार स्वर्गीय श्री उदय मुदलियार के सुपुत्र जितेंद्र मुदलियार ने इसमें फिर से एक एफआईआर की और इसमें हाईकोर्ट में ये मामला भी गया। और इसके बाद एनआईए ने इस पर चुनौती दी कि भाई हम जो सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर लेती तो ये जांच नहीं कर सकते, जिसका आज पटाक्षेप हुआ और माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच की अनुमति दी और कहा कि ये जांच कर सकते हैं। नितिन जी मेरे दो सवाल हैं। नितिन जी क्या क्लोजर रिपोर्ट एनआईए ने आपको, षड्यंत्रकारियों का हत्यारों का चेहरा बहुत जल्द उजागर होगा? नितिन जी मुझे दो सवाल सर चाहिए, फैक्ट है जो, क्या क्लोजर रिपोर्ट आज तक राज्य सरकार के पास एनआईए की नहीं है और क्या ऐसा नियम है कि आनी चाहिए? नहीं है, बिल्कुल आनी चाहिए, ऐसा नियम क्यों नहीं है, क्यों नहीं आनी चाहिए मुझे बताइए। इतना जघन्य हत्याकांड जिसमें कि कांग्रेस की पूरी एक लीडरशिप समाप्त हो गई, हमारे 20 नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन, उनके सुपुत्र विद्या चरण शुक्ल जी, बस्तर टाइगर कर्मा जी जैसे, एक सवाल का और मेरे मन में, मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब मैं चाहूंगा। नितिन जी हत्या हुई है, नितिन जी एक सवाल और ये, रिपोर्ट नहीं मिलेगी? नितिन जी क्या जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, चूंकि उसकी कॉपी अब तक अपलोड नहीं हो पाई थी, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए हैं, मुझे बताइए हाईकोर्ट के निर्णय में क्या कुछ किसी खास बिंदु पर जांच करने के लिए डायरेक्ट किया गया है एसआईटी को, या कि वो तमाम पहलुओं के लिए फ्री रहेंगे? एसआईटी किस मामले की जांच करेगी, ये कोई चीज स्पष्ट कर पाएंगे आप? तमाम पहलुओं के लिए, तमाम पहलुओं के लिए एसआईटी फ्री रहेगी, खासकर उन 11 बिंदुओं पे ज्यादा फोकस है जो बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है नरेश जी, विशेष तौर पर जांच होगी और पूरे प्रकरण को एसआईटी जो है उसको विस्तृत रूप से जांच करके षड्यंत्रकारियों का और हत्यारों का पर्दाफाश करेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे, उनको उनके किए की सजा मिलेगी। नरेश जी क्या कहेंगे आप सर, ये एनआईए को जो शिकस्त मिली है कानूनी तौर पर ये कहा जा रहा है उसको लेकर? सर मैं बड़ा आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं अपन, और जो वास्तविकता है, कोर्ट का जजमेंट है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉलिटिकल भाषणबाजी दे रहे हैं मेरे मित्र जो है। आप जो वर्डिक्ट क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है उसको पढ़ लीजिए, एनआईए का प्रयास क्या था वो पढ़ लीजिए, अरे कुछ भी वो जरूर बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, एसआईटी कहाँ आ गई इस कोर्ट की वर्डिक्ट में? अरे ऐसा मैं मेरा कुछ कमेंट से पहले मैं चाहता हूँ
अब चड्ढा जी का कमेंट ले लीजिए ना सर, आप नरेश जी पहले आप अपनी बात रख लीजिए, आपके पास जो तथ्य है वो रख दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ चड्डा जी के पास भी आ रहा हूँ। सर आपको मैं बता रहा हूँ, ये ऑर्डर जो आ गया है ना, इस पर एसआईटी कहाँ से आ गया? देखिए मैं बहुत अब इनके पॉलिटिकल एंगल का जवाब मैं पॉलिटिकल एंगल से दे रहा हूँ। इस कांग्रेस एक बहुत दुखदायी और बहुत कष्टप्रद दुर्घटना थी, एक बहुत बड़ी घटना थी इस प्रदेश में, जिसकी जांच का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने एनआईए की जांच का आदेश दिया। उनकी सरकार ने जांच की के लिए क्या क्या बिंदु होंगे ये तय किए, उसके बाद उस बिंदुओं पर जांच हुई और उस समय उसमें केंद्र की ये एजेंसी तो केंद्र की है ना, उन्होंने तय किया, उस एजेंसी ने काम किया। अब देखिए इनके पास और एक सबसे बड़ी विडंबना है, इसके जो बैन इसका इस दुर्घटना के बाद कांग्रेस के अंदर जो लाभान्वित हुए और जिनके पॉकेट में 24 घंटा साक्ष हुआ करता था, वो इस जांच को केंद्रीय एजेंसी से या बड़ी एजेंसी से कराने में कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। नरेश जी मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं, नरेश जी मुझे आप बताइए सर, आप कह रहे हैं कि ये लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, तो कोई तथ्य सही जानकारी कोई तथ्य है तो आप दीजिए ना, क्या आदेश आया है और एसआईटी को लेकर क्या आपको लग रहा है कि गलत जानकारी दी गई? सर ये एसआईटी कहाँ है इससे, ये एसआईटी का इशू नहीं है ये पिटीशन, ये एसआईटी का इशू नहीं है इस पिटीशन में। आप ऐसा बयानबाजी नितिन जी, अरे राज्य सरकार जांच कर सकती है, मतलब राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई है? सर राज्य सरकार नहीं है, मुझे नहीं मालूम हमारी बात कहां से आई। राज्य सरकार जांच कर सकती है यदि ये भी लिखा है तो इसका मतलब तो यही होता है। अगर नरेश जी आपके पास कोई दूसरा तथ्य है तो आप बताइए ना कि आपके पास क्या तथ्य है। आप रोकना चाहते हैं एसआईटी जांच? नरेश जी भारतीय जनता पार्टी आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार जांच नहीं करा पाएगी तो किसने रोका है जी, इसका जवाब दीजिए नरेश गुप्ता जी। अरे बाबा देखो ये अब मैं क्यों रोकना चाहता हूँ कि अदालत क्यों रोकना चाहती है, आज तक जो साक्ष्य रखे थे जो उस घटना के बाद लाभान्वित हुए और जिनके पॉकेट में साक्ष्य था वो चीजों को प्रभावित करना चाहते हैं कि हम प्रभावित करना चाहते हैं? ना 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 एक बात और पे मैं आता ना, 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 ना ये एसआईटी इसलिए बनाई थी, इस एसआईटी को जांच करने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, तब हम बताएंगे कि हमने जेब में कौन से इसके वो सबूत रखे थे। रुकिए ठीक है, चलिए चलिए ना, फैसला अभी मत कीजिए, अभी तो सर जांच शुरू भी नहीं हुई, फैसला मत कीजिए, सबसे जेब के कंबल में जाना, जेल की सलाखों के पीछे जाना। नितिन जी एक मिनट, नितिन जी नरेश जी बोलिए, अभिलाष जी नितिन जी को बोलिए यदि वो प्रॉपर सिस्टम से बात करना चाहे तो ठीक है। हाँ, नहीं, नहीं तो वो बोलते रहे मैं चुप बैठा हूँ, मेरा चेहरा दिखाते नहीं है, यही बोलते रहे। बोलिए नरेश जी बोलिए, यदि उनको ये बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट तो नहीं किया ना। हाँ हाँ बोलिए आप बोलिए। देखिए इस पर जो वर्डिक्ट आया है वो बहुत क्लियर वर्डिक्ट है साहब, मैं आप पेशेंस हियरिंग रखिएगा, आफ्टर हैविंग कंसीडर्ड ऑल द सबमिशन एंड एग्जामिन द क्वेश्चन प्रेजेंट इन द केस रिगार्डिंग अथॉरिटी ऑफ द स्पेशल कोर्ट टू एंटरटेन एंड पास द ऑर्डर ग्रांटिंग रिलीफ एज स्प्रेड टू द एप्लीकेंट वी आर ऑफ द कंसीडर्ड व्यू द प्रोविजन इन द लॉ इज वेरी क्लियर द प्रेयर मेड बाय द अपीलेंट बिफोर द लर्नेड स्पेशल कोर्ट वॉज नॉट फिट टू बी एंटरटेन बींग बियॉन्ड द पावर्स कन्फर्म्ड अपॉन द सेड कोर्ट। सेड कोर्ट मीन्स स्पेशल कोर्ट, जो उन्होंने कहा था स्पेशल कोर्ट पर कि आप इस एफआईआर पर काम नहीं कर सकते हैं, वो उसको लेकर कमेंट है ये एसआईटी कहां आ गए इसके साथ? ठीक है, एसआईटी कहां पे आ गए? इस ऑर्डर को पढ़ लें नितिन जी, इस ऑर्डर को पढ़ लें। ठीक है नरेश जी, मैं आ रहा हूँ संजय जी के पास, संजय जी के पास आ रहा हूँ मैं, चड्ढा जी से इसको मैं पहले इनलेटेंट करना चाहता था ना कि राज्य सरकार जांच कर सकती है। हाँ नितिन जी ठीक है, ना ठीक है नितिन जी, जांच और कार्रवाई ना ठीक है, ऑर्डर को पढ़ लो, राज्य सरकार कहाँ लिखा है? सर अपीलेंट लिखा हुआ है और अपीलेंट ने जो अपील की थी कि स्टे करने के लिए, उसे उन्होंने कहा है कि हम उसको ग्राउंड पर पूरा नहीं पा रहे हैं, जितना मैं समझ पाता हूँ, हालांकि आप लोग ज्यादा मुझसे समझदार है। संजय जी हमारे साथ है, संजय जी एक बात बताइए, आप तो ना एक मिनट सर, संजय जी सीएम कह रहे हैं कि वो कैवियट लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ताकि वहां पर जाकर के फिर से इस जांच को स्टे ना कर दिया जाए, अब राज्य सरकार एसआईटी से कराए या सिंगल आदमी से कराए या राज्य की पुलिस से कराए या होमगार्ड से कराए, कुल मिलाकर के जांच राज्य सरकार करने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है, क्या यही सीधा सीधा मतलब इसका निकल रहा है सर? देखिए
अगर सीधा साधा मतलब आप कहेंगे जी हाँ, जो एफआईआर जितेंद्र ने करी है उस एफआईआर के तहत इन्वेस्टिगेशन होगा, बस इतना ही है। और नरेश जी की बात में बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मैं उनकी बात से संभवतः संपूर्ण रूप से सहमत, सिर्फ और सिर्फ एसआईटी की बात नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन जी ने कहा है वो बात भी सही है कि एसआईटी अब चाहे तो सरकार फॉर्म कर सकती है, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं आपको चड्डा साहब इस पे मैं आपको इनपुट दे दूं, एसआईटी के एसआईटी बन चुकी थी जिसको स्टे है हाईकोर्ट से, बट वो स्टे तो वेकेट हो गया ना इस केस के साथ, उसी की तो सुनवाई थी सर, इस पे नहीं है। देखो एसआईटी इज डिफरेंट, पर वो अब तो खत्म हो गया है, ठीक है। मैं सरकार ने बोल दिया, ठीक है आपकी बात मान ली जी, सुप्रीम चलिए मुतलियार के सुपुत्र की याचिका, भंसाली जी एक मिनट, जरा संजय जी कुछ फैक्ट बता रहे हैं, नितिन जी संजय जी कुछ फैक्ट बता रहे हैं, जरा हम वो सुन लेते फिर आते हैं, संजय जी प्लीज कैरी ऑन। देखिए आईएनए ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, अभी जो नई जो एफआईआर हुई थी 2000 में या जितेंद्र ने जो एफआईआर करी थी उसका मूल जो कारण था वो ये था कि उन्होंने कहा कि वृहद तरीके से जांच नहीं हुई है, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, ये तमाम आस्पेक्ट थे जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना भी उनको आपके इस कार्यक्रम में, उन्होंने इस चीज को वर्णित किया। और मैं आपसे जो सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी व्यवस्था है और कई जजमेंट्स हैं, दोनों साइड के जजमेंट है, एफआईआर में डिले नहीं होना चाहिए, री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, इस तरह के जजमेंट्स हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी उसके उपरांत दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो दंगे हुए थे उसके बाद सज्जन कुमार जी के खिलाफ जो एक एफआईआर हुई थी वो 24 साल के बाद हुई थी, और उसमें डिमांड हुई थी 24 साल के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि यस एफआईआर की आवश्यकता है, ठीक, उससे पहले कई इन्वेस्टिगेशंस हो गए, कई लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था, कई एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया था, कई कमीशन भी बने थे उसमें, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन इतने लंबे डिले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं एक एफआईआर आप करिए, क्योंकि मतलब अगर ग्राउंड है, संजय जी मतलब ये मैं मोटा कर समझूं कि ग्राउंड है तो उसका फायदा मिल सकता है, संजय जी मैंने आपको ये अगर कोई ग्राउंड है बिल्कुल संजय जी तो उसका फायदा अवश्य मिलेगा। और अगर क्योंकि एक बहुत बड़ा सा कानून का नियम है क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का, वो ये है कि कहीं पे भी अगर जो पीड़ित पक्ष है उसको ये लगता है कि ये चीज रह गई है इस पे इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आग्रह कर सकता, और कानून की व्यवस्था ये है कि उसको न्यायोचित न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। संजय जी मैंने आपको ऑर्डर की कॉपी भी भेजी, आप जब तक आप प्लीज यू कैन गो थ्रू दैट, और मैं आता हूं तब तक नितिन जी के पास। नितिन जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब देखिए जांच की बात अगर आ भी गई है राज्य सरकार के सामने तो ये लगता नहीं कि बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि पॉलिटिकली अभी आप ब्लेम गेम कर रहे थे कि बीजेपी जांच नहीं कर रही है, एनआईए ने गड़बड़ की है, लेकिन आप जेब में अगर सबूत है आपके तो कितना दिन लगाएंगे सर न्याय दिलाने में, जरा ये भी बताइए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल? अभिभावक खोए हमने जी, हमने अभिभावक खोए हैं, कांग्रेस के हमारे अभिभावक थे जो जिनकी मृत्यु हुई थी, हम भूल नहीं सकते उस काले दिन को। जब आज ये हाईकोर्ट के निर्णय आए हैं, निर्णय का हम स्वागत करते हैं, मैंने जैसा कि डिबेट के शुरू में ही कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, निश्चित तौर पर युद्ध स्तर पर इस जांच को शुरू किया जाएगा, और इस जांच के बाद जो इस राजनीतिक हत्या षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे उनके नामों का खुलासा होगा, पर्दाफाश होगा। बार बार ये कहा जाता है कि जेब में रखकर घूम रहे थे, ऐसा कि गुप्ता जी ने भी कहा, आपने भी कहा, तो मैं ये बता दूं जब एसआईटी की जांच होगी, राज्य सरकार की एजेंसी जब इसकी जांच करेगी और जांच होने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम बताएंगे कि हमारे पास क्या था। बिल्कुल चिंता ना करें, एनआईए को हमने लगातार राज्य सरकार ने पत्र लिखकर याचना की, यहाँ के डीजीपी तक एनआईए चीफ के पास जाकर ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो जांच की रिपोर्ट हमें दे दीजिए, हमने एसआईटी का गठन किया और हम उस पर जांच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कोई कानों में जू नहीं रहेंगी,
आप आरोप लगाते लिए सर, लेकिन मुझे ये बताइए, मेरी चिंता तो ये है कि हमें न्याय कब मिलेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को इंसाफ कब तक मिलेगा। मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप आगे आकर के अब ये ग्राउंड क्लियर कर लें कि नहीं देखिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, सबूत मिटा दिए गए, हमें पर्याप्त सबूत मिल नहीं रहे, तथ्य गायब है, फाइलें गायब है, और इसलिए हम सबूत है ना आपके पास जेब में, अभी भी स्टैंड पर कायम है ना, आपकी पॉकेट की जेब में है ना सबूत कांग्रेस के पास। हम काफी सारे स्टैंडों पे, हमें जहां जहां पर राज्य सरकार को, तत्कालीन कांग्रेस के हमारे लीडर्स को जहां जहां पर शंका हुई, उन सारी चीजों का समाधान इस जांच के माध्यम से किया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे जो अभिभावकों को हमने खोया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा हमारी बहुत बड़ी निजी क्षति हुई है, ठीक है, उस षड्यंत्र में, उस हमले में और उस हत्या में, उसका पर्दाफाश किया। नितिन जी भले ही तात्कालिक तौर पर अभी कांग्रेस को लग रहा होगा, नितिन जी तात्कालिक तौर पर भले ही लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस के सामने कि वो प्रूफ करेंगी कि कैसे इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर उससे जनता में छवि को लेकर के बहुत ज्यादा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे एक खुशी आपको इस जांच को अपने पास मिलने की है, 100% प्रूफ करेंगे। नरेश जी मुझे ये बताइए, क्या आपको कोई पॉलिटिकल वैंडलिज्म करने की अब आशंका नजर आ रही है? प्रूफ करेंगे। आपको लगता है क्या, क्या जो बीजेपी बार बार दबी जुबान में कर रही, मैं सीधे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आप कुछ लोग टारगेट पर आ जाएंगे और बीजेपी के लोगों को चिंता में पड़ना चाहिए? कोई जरूरत नहीं साहब, हम तो डे वन से बोल रहे हैं एनआईए का गठन, उसकी जांच के बिंदु किसने तय किए थे? उस दिन आपत्ति नहीं थी तो आज किस बात की आपत्ति होगी? साहब मैं तो बता रहा हूँ ना, उसपे जो सबसे ज्यादा जिनको फायदा हुआ था उस सिस्टम के अंदर में, उनके तो पॉकेट में सारे साक्ष्य थे ना, पॉकेट से बाहर 3 सालों में नहीं निकाला। और जहां तक सवाल इनका है कि ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि दोनों एफआईआर में क्या अंतर है, एनआईए की एफआईआर में और इस एफआईआर में कितना अंतर है, उस बात को समझ लें, उस बात को देख लें। पॉलिटिकल लफाजी करने के लिए यहाँ बैठ सकते हैं लोग, उसके कोई वजह नहीं है। अरे फैक्चुअल में बात करो साहब, सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए नहीं बैठो यहाँ पर। ठीक है, दोनों एफआईआर को देख लीजिए, दोनों एफआईआर को देख लीजिए, उसके बाद बात करिए और कौन सा कर लीजिए। बिना सिर पैर के, चलिए पैर के राजनीतिक लफाजी बस कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मैं संजय जी के पास पार्टी चाहती है कि इसका पूरा चीज बाहर आ जाए। ठीक है नितिन जी, नरेश जी, संजय जी, मुझे सर आप, संजय जी मुझे 2-3 सवाल, एक मिनट नितिन जी, ट्रेनिंग में दिया जाता है नितिन जी, एक मिनट सर, सर आज जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है सर, अब आपके पास जांच है सर, आप क्यों नितिन जी आपके पास जांच है, थोड़ा रुकिए ना। भाषा क्या होती थी नरेश जी, 2 साल पहले? अरे सर 2-3 साल पहले नहीं, हम भविष्य की बात कर लेते, एक मिनट संजय जी, मुझे पहले ये बताइए क्या एनआईए किसी मामले की जांच करे, वो भी इतने संवेदनशील मुद्दे की? अरे निजी जाना है तो चलिए, नितिन जी प्लीज, नितिन जी आप लोग सर वन टू वन में लग जाते हैं, आप लोग पॉलिटिकल डिबेट बना देते हैं सर, इसे पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए सर प्लीज। संजय जी मुझे ये बताइए कि क्या एनआईए जैसी जांच एजेंसी इतने संवेदनशील मामले में क्लोजर रिपोर्ट देने से राज्य सरकार को इनकार करती है, करती रही है, या ये तरीका रहा है, या आपको लगता है ऐसा पहली बार आपने सुना? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एनआईए जैसी जांच एजेंसी अपनी क्लोजर रिपोर्ट के बाद क्या किसी दूसरी जांच एजेंसी को जांच करने से रोकती रही है, ये भी कल्चर रहा है क्या, या फिर बड़ा दिल दिखाना था कि जब हमने जांच कर ली आप क्या ढूंढ लोगे, आप भी कर लो, क्योंकि आम आदमी ऐसा सोचता है, पर कानून क्या कहता है वो आप बताइए सर। पहला प्रश्न जी, पहले प्रश्न में ये आपने कहा कि क्या किसी भी तरीके से जो प्रश्न ये था शायद कि जो क्लोजर रिपोर्ट देने से इनकार करना, क्लोजर रिपोर्ट देने से इनकार, आई एम सो सॉरी, क्लोजर रिपोर्ट देने से इनकार कभी भी नहीं होता है। क्या होता है, जैसे क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है इट बिकेम ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनीबडी कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम द कोर्ट। तो ये बात मुझे तो हजम हो नहीं रही, किसी का कहना कि क्लोजर रिपोर्ट हमें नहीं दी, ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं दी, तो फाइल नहीं की होगी। फाइल होने के बाद किसी भी व्यक्ति को क्लोजर रिपोर्ट लेने का, और खास तौर से जो 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 लोग इससे इसमें इन्वॉल्व है, अपीलेंट हैं, उनको क्लोजर रिपोर्ट देखने का पूरा अधिकार अख्तियार है। यहां तक कि क्लोजर रिपोर्ट जब भी फाइल की जाती है उसकी कॉपी जो पीड़ित पक्ष है उसको दी जाती है, वो चैलेंज करता है। संजय जी पॉइंट टू सर, समय कम है, माफी के साथ, क्या रोका जा सकता है दूसरी एजेंसी को जांच करने से
बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। और आपने पूछा था प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस जो है वो यही है कि बड़ा हृदय दिखाने वाली बात जो अभिलाष आपने कही थी वो जरूर दिखाना चाहिए कि अगर कुछ है तो आप भी देख लीजिए भाई। देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का, न्याय हासिल किया जा सके। अगर कोई और एजेंसी ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम है न्याय जी, सर वक्त कम है सर, अनुमति मिलनी चाहिए। ठीक है संजय जी, बिल्कुल दो दो से पांच सेकंड की अनुमति देंगे। नरेश जी जल्दी कर लीजिए सर, 20 सेकंड भी नहीं है मेरे पास जी। मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, एनआईए ने अगले जांच के लिए कहीं आपत्ति नहीं करी है, ये बहुत क्लियर है। आप ठीक है, ये जो गफलतें हैं दूर होंगी। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या झीरम का असली गुनहगार निकलकर सामने आएगा, या फिर बीजेपी के शासन में जिस तरह से फाइलें इधर से उधर दौड़ती रहीं, क्लोजर रिपोर्ट आ गई, वैसे ही अब कांग्रेस के जमाने में भी होगा। देखते हैं कि झीरम के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, नरेश जी, संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।